नमस्कार, पब्लिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले हिजाब पर बहस छिड़ गई है। कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों से निकली ये बहस अब मध्य प्रदेश में भी पहुंच चुकी है और इस बहस पर अब तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। देश भर में हिजाब को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसी बीच हिजाब को लेकर माहौल खराब करने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। खबर उज्जैन से है, जहां के कलेक्टर कार्यालय के पीछे हिजाब को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्टर चिपका दिया गया। ये पोस्टर किसने चिपकाया, इस बात की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन पोस्टर में मौजूद कंटेंट उज्जैन शहर में माहौल बिगाड़ सकता था। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। चिंताजनक बात यह है कि कलेक्टर कार्यालय के पीछे मौजूद निर्वाचन कार्यालय के समीप ये पोस्टर चिपकाया गया। हिम्मत देखिए, जहां सबसे बड़े अधिकारी जिले के बैठते हैं, वहां पर इस तरह की कोशिश की गई। बहरहाल उज्जैन पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इसमें कुछ कंटेंट ऐसे थे जो माहौल को बिगाड़ने के उसके थे, तो उसमें अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 505, 2 और सार्वजनिक संपत्ति विरूपी के अधिकरण का मामला कायम किया गया है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। पब्लिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।